इस वक्त की बड़ी खबर, सनातन पर विपक्ष बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उदय निधि के बयान को लेकर केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। केजरीवाल ने कहा है कि मैं भी सनातन धर्म से हूं और किसी को किसी के धर्म पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इस खबर पर जानकारी के साथ हमारी सहयोगी सुनैना जुड़ चुकी है। जी सुनैना, क्या कुछ पूरा मामला है और आखिर विपक्ष बढ़ता हुआ क्यों नजर आ रहा है? जी दीपिका, सनातन धर्म पर अपने दिए बयान पर उदय निधि स्टालिन को कई पार्टियों ने निशाना बनाया है, जिसमें बीजेपी प्रमुख है। बीजेपी के कई तमाम नेताओं ने स्टालिन के ऊपर पलटवार किया है, जवाब मांगे हैं उनसे सनातन धर्म का, जो उन्होंने टिप्पणी की है, सनातन धर्म को खत्म करने की बात की है। वहीं कांग्रेस, जो आम आदमी पार्टी की अलायंस पार्टी है, उसके भी कई बड़े नेताओं ने स्टालिन का समर्थन किया था और सनातन धर्म को निशाना बनाया था। लेकिन अब आम आदमी पार्टी, जो उसकी सपोर्टिव पार्टी है, अलायंस पार्टी है, उसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सबके विपरीत अपना एक बयान जो ये दिया है कि उन्होंने कहा है मैं सनातनी हूँ और मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, इसलिए किसी भी धर्म पर टिप्पणी करना जायज नहीं है। तो ये बिल्कुल उसके उलट है, जो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि केजरीवाल ने इसका नुकसान भांपते हुए अपनी चुप्पी को तोड़ा है। क्योंकि बीजेपी दिल्ली बीजेपी के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर कटाक्ष किया था और उनसे बोला था कि आपकी अलायंस पार्टी सनातन पर ऐसे बयान दे रही है और आप वहां चुप बैठे हैं, जो लाखों करोड़ों हिंदुओं को ठेस पहुंचा रहा है। शायद यही बात को सोचते समझते हुए और इसके ऊपर कंक्लूजन निकालने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपना बयान इस पर दिया है और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि मैं भी सनातनी हूँ, इसलिए किसी भी धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा बयान है, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के बिल्कुल विपरीत है। जी, जबकि प्रियांक खड़गे का बयान और केजरीवाल का बयान बिल्कुल अलग है और केसी वेणुगोपाल के बयान की बात करें तो उनका बयान भी अलग था। लेकिन वहीं केजरीवाल जो है वो बिल्कुल गठबंधन पार्टी के जो कांग्रेस के बयान आए थे उससे बिल्कुल अलग बयान है। तो क्या लग रहा है कि विपक्ष जो है एकजुट कहां से दिख रहा है, जो एकजुट करने की कोशिश में लगे हुए हैं वो नजर नहीं आ रही है? सुनैना जी दीपिका, देखिए अरविंद केजरीवाल का ये बयान ये बता रहा है कि जो गठबंधन बना है सत्ता पार्टी के खिलाफ, सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ यानी कि बीजेपी के खिलाफ, 2024 के चुनाव को लेकर जो गठबंधन बना है इंडिया के नाम का, उसमें अरविंद केजरीवाल और सारा विपक्ष, जिसमें आरजेडी हो या फिर कांग्रेस हो या तमाम पार्टियां हो, ममता बनर्जी हो, कहीं ना कहीं सब में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी तक स्टालिन के मुद्दे पर, उनके बयान पर पूरा विपक्ष एक साथ था, लेकिन उस सबके उलट केजरीवाल ने बिल्कुल विपरीत बयान देकर अपने आप को सनातनी घोषित कर दिया है। उनका ये मानना है, यानी कि ये कह सकते हैं कि 2024 में, क्योंकि बीजेपी एक बहुत बड़ा उनका एक पावर कह सकते हैं, यूएसपी कह सकते हैं, कि हिंदू धर्म को लेके, सनातन धर्म को लेकर जो भी बीजेपी अपना रुख रखती है, साफ रखती है और राष्ट्र की बात करती है, इसी की वजह से एक बड़ा तबका जो है वो बीजेपी को पसंद भी करता है। इसी राह पर चलते हुए, इसी सोच के ऊपर केजरीवाल ने भी कहीं ना कहीं अपने आप को सनातनी घोषित कर दिया है और ये बताने की पूरी कोशिश की है लोगों को कि मैं भी सनातन के सपोर्ट में हूँ और मुझे भी ये बयान पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से 2024 में उनको कोई नुकसान ना हो, उनकी पार्टी को कोई नुकसान ना हो। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से गठबंधन एक तरीके से बिखरता जा रहा है, विपक्षी पार्टियाँ एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रही हैं, लेकिन जो इस बयान के समर्थन में कांग्रेस के, जैसे केसी वेणुगोपाल हैं या प्रियांक खड़गे हैं, उन्होंने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी। क्योंकि आज सनातन को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लोगों में वाइब्स हैं और वो नहीं बर्दाश्त कर सकते कि सनातन पर कोई कटाक्ष करे या उंगली उठाए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन केजरीवाल ने जो कुछ बोला है उसके लिए उनको कुछ फायदा भी हो सकता है, ये हम मान सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनैना हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि इससे पहले इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी विपक्ष में एकजुटता कहीं भी नजर नहीं आ रही थी, ना मां तस्वीरों में विपक्ष ने दिखाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन विपक्ष एकजुट नहीं दिखाई दे रहा था कोई, क्योंकि कोई किसी को सुनने के लिए वहां तैयार नहीं था। जो नेता आते थे, अपने बयान देते थे, वो चले जाते थे और फिर एक बार केजरीवाल ने ये बयान देकर ये दिखा दिया है, साफ साबित कर दिया है कि विपक्ष अभी भी एकजुट नहीं है।
वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।